ये सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर, जिसको सांस बहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये बाहर का दृश्य है, ये सहस्त्रबाहु मंदिर के अंदर का है। वो कितनी अच्छी कलाकृति कर रखी है। ये इसका मेन जो एंट्रेंस है, और ये जो उस टाइम की भाषाओं में लिखा हुआ है, जो इस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, पूरी इस मंदिर को, ये जो मूर्तियां उनको खंडित कर दिया गया है जो मुगल काल में के लिए है। ये इसका मेन एंट्रेंस है, और अंदर से वास्तव में क्या कलाकृति करी है, बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ, बिल्कुल महीन नक्काशियाँ दिख रही यार, क्या शानदार कलाकृतियाँ। उस ज़माने में जिस टाइम मशीनरी का प्रयोग नहीं होता था, उस ज़माने में इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं पे इतना महीन जो कार्य किया है, बहुत ही सुंदर, और ये बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है। देखिए आप, ये है सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर शहर में, जिसको अपन सांसबहु मंदिर के भी नाम से जानते हैं। बहुत ही शानदार कलाकृतियाँ, और जो अपने देवी देवताओं हैं उनके बारे में दर्शाया गया है, और इन मूर्तियों को खंडित कर दिया गया सबको। इस मंदिर की कलाकृतियों को देख देख के आप अचंभित हो जाओगे, क्योंकि आज के समय में ऐसी जो कलाकृतियाँ हैं वो करनी बहुत ही मुश्किल ही नामुमकिन नहीं मान सकते हो आप। बड़ी बड़ी जो ये बलुआ पत्थर है उस पर ये सब नक्काशियाँ पूरे दी गई हैं। और ये इसका जो चार स्तंभ है, ये इस मंदिर के चार स्तंभ है, और स्तंभ के अंदर का जो गुंबद है उसकी कलाकृतियाँ देख के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये हवा का प्रवाह रखने के लिए इस मंदिर किस प्रकार से बनाया होगा, वास्तव में आंखों को अचंभित करने वाला है। ये मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पर जो औरंगजेब के जहांगीर के राज से पहले भगवान विष्णु जो सहस्त्रबाहु के रूप में विराजमान थे, ये इस मंदिर का गर्भगृह। आप ये देख के पता लगा सकते हैं कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं जो इसमें मंदिर में कर दी गई है। ये इस मंदिर के बाहर का सीन है, जिसकी तरफ एक छोटा मंदिर और बना हुआ है, बहुत ही शानदार पिंगम दृश्य। इस मंदिर को देखने के बाद में मेरे पास शब्द नहीं है जो बता, मतलब मैं कुछ कह सकूँ आपको। इतनी बारीकी से एक एक चीज को, ये बाहर का सीन,
ये भी सहस्त्रभाव मंदिर का एक अन्य मंदिर है, विशेष कलाकृतियों से सजा सुसज्जित। आप अपने भारत को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं कि अपना अपन कितने आगे थे अपने। ये भी उन्हीं कलाकृतियों में बना हुआ उसी स्वरूप में, छोटे स्वरूप में, शायद जिस हिसाब से ये बना हुआ उस हिसाब से इसमें लग रहा है कि शिवालय उस टाइम का। तेली का मंदिर ग्वालियर शहर में ही, ग्वालियर किले का एक भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इसके अंदर का भाग ये है। चमगादड़ इसके अंदर तो यार, इसके अंदर तो इतनी कलाकृति नहीं है, लेकिन इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। 30 मीटर ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। ये इसके बाहर का, ये तेली के मंदिर का बाहर का व्यू है।